नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं सुपर स्मैश का जो आज मुकाबला खेला जाएगा ऑकलैंड वर्सेस वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े ढेर सारे चेंजेस हुए हैं और चेंजेस के ऊपर ही हमको ध्यान देना है। अगर आपको मिनी जीएल जीएल में अच्छा रैंक लाना हो तो मैकर ब्रेसवेल, ध्यान रखिएगा ये हमारे कैप्टन वीसी के मटेरियल होंगे। इसके अलावा फिन एलन का यहाँ पे वापसी हुआ है और भी ढेर सारे चेंजेस, जिसमें मार्क चैपमैन का ध्यान आपको लेके चलना होगा। बेहतरीन बल्लेबाज में से एक है ऑकलैंड का और ये मुकाबला खेला जाएगा आज सुबह 8:30 में। और दोस्तों, टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट के बाद हमारे टीम में जो भी फेरबदल होंगे उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई भाई अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकालिए और YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पिच रिपोर्ट, फिर हम देखेंगे विकेट टेकिंग, लास्ट 5 T20 मैच, ODI मैच नहीं, ध्यान रखिएगा, एवरेज स्कोरिंग लास्ट 5 T20 मैच, फिर हम देखेंगे लास्ट कुछ मैच के बैटल जब दोनों टीम आमने सामने आई है तो क्या हुआ है, पॉसिबल प्लेइंग 11, स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, 3 मार्की बैट्समैन, 3 मार्की बॉलर, लास्ट मैच स्कोरबोर्ड देखेंगे दोनों टीम का, 5 कैप्टन मिसी के कौन कौन बेस्ट पिक रहने वाले हैं, फिर हम देखेंगे अपनी फैंटेसी की टीम और वहीं पे बात करेंगे आपको जीएल में कौन कौन सी पेंतरा लगानी है। और दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे वेन्यू को लेके मुकाबला खेला जाएगा किनार्ड्स, यहाँ पे किनार्ड्स हायर कम्युनिटी ओवल ऑकलैंड, कितना बड़े नाम है ना, किनार्ड्स हायर कम्युनिटी ओवल ऑकलैंड न्यूजीलैंड, और ऑकलैंड की ये होम ग्राउंड होंगी तो उनके पास थोड़े से ज्यादा होंगे। अगर बात करें विनिंग परसेंटेज, ऑकलैंड का 35% है और वेलिंगटन फायरबर्ड्स का वैसे क्या टीम है, टीम में बल्लेबाजी में गहराई हो, गेंदबाजी में नथन स्मिथ, एडन मिले, पीटर यंगस्मेंट, लोगन वन वीक, टीम की गेंदबाजी यूनिक काफी मजबूत है। अगर हम बात कर लेंगे मौसम को लेकर, वैसे मौसम जो है थोड़ा सा चिंताजनक है, बैटिंग पैराडाइज विकेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे इस वेन्यू पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे विकेट टेकिंग लास्ट 5 T20 मैचेस टोटल विकेट गिरे 57, पेसर्स को मिले 14, स्पिनर को मिले 17 विकेट। अगर हम देखेंगे एवरेज स्कोर लास्ट 5 T20 मैच जो इस वेन्यू के ऊपर खेला गया, एवरेज टोटल स्कोर है 149 का, लास्ट 10 T20 मैच जब दोनों टीम आमने सामने आई है, 5 बार जीती है ऑकलैंड, 5 बार जीती है वेलिंगटन फायरबर्ड्स। अगर हम बात करेंगे लास्ट के 5 T20 मैच रिजल्ट दोनों टीम का, ऑकलैंड लॉस विन विन लॉस विन करके आ रही है, वेलिंगटन फायरबर्ड्स का बात कर लेंगे विन 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 लॉस लॉस करके आ रही हैं। अब ये हम बात करते हैं दोनों टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, आपको दिख जाएंगे यहाँ पे फिन एलन, फिर मार्टिन गप्टिल, ऑकलैंड का चैपमैन, आर ओडनल, सी फ्लेचर से ऊपर भी आ सकते हैं सिंसोलिया, फिर आपको दिख जाएंगे हैरिसन, डिफेंस डेलपॉट, लिस्टर, फर्गूसन। गेंदबाजी की बात कर लेंगे, फर्गूसन से आप 4 ओवर देख लोगे, लिस्टर से 4 ओवर, डेलपॉट से 3 से 4 ओवर, डिफेंस 3 से 4 ओवर, हैरिसन 1 से 2 ओवर और बाकी जिस जिस का स्पेल कटेगा वो आके डालेंगे सिंसोलिया। अगर हम बात करेंगे सामने वाले टीम में, आपको दिख जाएंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज टी रॉबिन्सन, टी ब्लंडल, माइकल ब्रेसवेल, निक कैली, एम अब्बास, उसके अलावा जेस टेस्कॉफ, नथन स्मिथ, लोगन वनविक, एडन मिलने, पीटर यंगस्मैन और बेन सियर्स। गेंदबाजी की बात कर लेंगे, यहां से मुझे लगता है इन पांचों को अच्छा खासा स्कोर डालना चाहिए, लेकिन आप माइकल ब्रेसवेल को कतई इग्नोर नहीं कर सकते हो, मतलब ये कि यहाँ पे लोगन वनविक का 1 ओवर, बेन सियर्स का 1 ओवर, नथन स्मिथ का 1 ओवर कट के वो 3 ओवर जा सकता है माइकल ब्रेसवेल के खाते में। अब आइए हम बात करते हैं टॉप प्लेयर्स एट दिस वेन्यू बेस्ड ऑन लास्ट 2 ईयर्स T20 मैचेस में। ब्रेसवेल खेले 1 मैच 54 रन किए हुए, और बात करें ब्लंडल का 1 मैच 41 रन, आर ओडनल 9 मैच खेले 34.4 के बैटिंग एवरेज है, लोगन वनविक 2 मैच 27 के बैटिंग एवरेज है, सी ब्रिक्स 5 मैच 24.4 के बैटिंग एवरेज है, सिंसोलिया 9 मैच में ऑलमोस्ट 20 का बैटिंग एवरेज है। बात करेंगे यहाँ पे गेंदबाजी में, नथन स्मिथ 2 मैच खेले हैं, पर मैच 2 विकेट लिए हुए हैं, इकोनॉमी मात्र 3.40 का, लॉकी फर्गुसन 5 मैच 1.8 विकेट पर मैच लिए हुए हैं, इकोनॉमी लगभग 9 के आसपास, पीटर यंगस्मैन 2 मैच पर मैच 1.5 विकेट, इकोनॉमी 7.5 का, बेन लिस्टर 8 मैच पर मैच 1.1 विकेट, इकोनॉमी 7.90 का, लोगन वनविक 2 मैच पर मैच 1 विकेट, इकोनॉमी 7.5 के आसपास, आदित्य अशोक का नाम स्क्वाड में नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, आपको दिख जाएंगे ऑकलैंड के साइड से बिल लिस्टर डिफेंस, और आपको दिख जाएंगे डब्ल्यूएफ के साइड से नथन स्मिथ, एडन मिलने, डेथ में दिख जाएंगे ऑकलैंड के साइड से
लकी फर्गुसन, बेन लिस्टर और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के साइड से आपको दिख जाएंगे एंड स्मिथ और एडन मिलने, और यहाँ पे कई बार आपको दिख जाएंगे लोगन वन विग्बी। अब आइए हम बात करते हैं पांच बेहतरीन कैप्टन वीसी के मटेरियल इस मैच में आपके लिए कौन कौन रहने वाले हैं। सबसे पहले माइकल ब्रेसवेल, ये आपको 3 से 4 ओवर गेंदबाजी डालते दिख सकते हैं, प्लस बल्लेबाजी में तो भाई सब खड़ा सोना है, कितना करेंगे ये सिर्फ ब्रेसवेल को ही पता है, बेहतरीन बल्लेबाज में से एक। नथन स्मिथ आपको नंबर 6 नंबर 7 पे बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे, प्लस आप इनसे जो है गेंदबाजी में भी अच्छा खासा उम्मीद करना, विकेट टेकर गेंदबाज है, इस वेन्यू के ऊपर इनका स्टेट्स लाजवाब है। लोगन वन वीक आपको दिख जाएंगे नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते हुए, और कभी कभी ऊपर भी आ जाएंगे नंबर 6 पे भी, और गेंदबाजी 3 से 4 ओवर करके दे सकते हैं। एडन मिलने बेहतरीन गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो लास्ट में आके हिटिंग भी कर सकते हैं। ये आपको जो है नंबर 8 के आसपास बल्लेबाजी दिखेंगे, प्लस 4 ओवर कंफर्म आपको डालते दिख जाएंगे, 2 स्टार्टिंग में, 1 बीच में, 1 डेथ में। टॉम ब्लंडल विकेट कीपर बल्लेबाज, ओपन या फिर वन डाउन करते नजर आ सकते हैं, प्लस ये आपको विकेट कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। रीजन ये मजबूत टीम का विकेट कीपर होंगे तो इनके पास कैचिंग हो, स्टंपिंग हो, रन आउट होंगे, मतलब होंगे उसके अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा होगा। तो टॉम ब्लंडल भी आपके लिए छुपा रुस्तम कैप्टन वीसी के मटेरियल यहाँ पे बनने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं 3 मार्की बॉलर को लेकर। 3 मार्की बैट्समैन आपको दिख जाएंगे माइकल ब्रेसवेल, टॉम ब्लंडल, चैपमैन, ये 3 बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आपको लेना ही चाहिए। और 3 मार्की बॉलर में एडन मिलने, लकी फर्गुसन और एन स्मिथ। अब भाई हम बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मैच को लेके, तो आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ओटागो से हार के आ रही है, जहां पे सीन सोलिया 20 किए थे मार्टिन गिफ्ट के साथ, या फिर नलन खेलेंगे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सी बिग्स 15 किए थे, आर ओडोनेल 35, सी फ्लेचर 1, डब्ल्यू ओडोनेल 14, आर हैरिसन 18 किए थे। अगर हम बात करें इस मैच में गेंदबाजी में, डिफेंस 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, बेंजामिन लिस्टर 4 ओवर 39 रन 1 विकेट, सीन सोलिया 3 में 25 रन 1 विकेट, रिसेंटली बेंजामिन लिस्टर को जो है इंटरनेशनल कैप भी पहनाया गया था। एल डेल पोर्ट 4 में 16 रन 3 विकेट, उसके अलावा एन परेरा 3 ओवर 4 गेंद 32 रन 0 विकेट, आर हैरिसन 1 ओवर 13 रन 0 विकेट। अगर हम बात करेंगे सामने वाले टीम वेलिंगटन फायरबर्ड्स का, वो लास्ट मुकाबला 23 रन से जीत के आ रहे हैं एनडी के साथ, जहां पे इन्होंने इनके बल्लेबाज टी रॉबिन्सन 20 किए थे, ब्लंडल बेहतरीन 71 ठोके थे, उसके अलावा निक कैली यहां पे 9 किए थे, उसके अलावा अरसलान अब्बास 23 किए थे, उसके बाद टेस्कोप यहां पे बैच किए थे। ध्यान रखिएगा अगर कलम खेलते हैं, जिसके खेलने के चांसेस इस मैच में थोड़े से मुझे कम दिख रहे हैं, अगर ये खेलते हैं तो फिर टॉम ब्लंडल विकेट की भी नहीं करेंगे। उसके बाद टॉम ब्लंडल आपके लिए कैप्टन वीसी का जो मटेरियल है उसमें आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, अगर कलम नहीं खेलते हैं तो फिर आपके लिए अच्छे खासे कैप्टन वीसी के मटेरियल हो सकते हैं टॉम ब्लंडल। ठीक है, अब इस मैच में गेंदबाजी में हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नथन स्मिथ 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, लोगन वन वीक 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, इयान 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, बेंसियस 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, पीटर 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। अब दोस्तों फाइनली आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा फाइनल टीम में कुछ ना कुछ बदलाव होने ही है, जिसका मैं अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। फिलहाल मैंने विकेट के पीछे टॉम ब्लंडल को लिया हुआ है, बैटिंग से मैंने मार्क चैपमैन, फिन एलन और टी रॉबिन्सन को लिया हुआ है। यहाँ पे आप चाहो तो रॉबिन्सन के जगह पे निक कैली को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज बेन लिस्टर को भी ट्राई करके चल सकते हो। बात करेंगे ऑलराउंडर से, मैंने ब्रेसवेल को लिए, लोगन वन विक को लिए, एन स्मिथ, उसके अलावा पीटर यंग स्मिथ को मैंने अपने टीम में जगह दिए हुए हैं। बॉलिंग से एडन मिले हमारे टीम में होंगे, लकी फर्गुसन होंगे और बेन सियर्स रहने वाले हैं। कैप्टन वीसी की बात करूं तो मेरे कैप्टन यहां से माइकल ब्रेसवेल होंगे, वीसी मैंने फिलहाल के लिए नथन स्मिथ को दे दिया है। आप लोग वीसी का जो कॉल है ना वो ऐसा भी कर सकते हो, यहां पे वीसी दे देना ब्रेसवेल को, कैप्टन आप नथन स्मिथ को भी देके जा सकते हो। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।